मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। मित्रों, महाराज जी किस तरह से किसकी सहायता करेंगे, किस पर कृपा बरसाएंगे, ये आपने बहुत कथाओं में जाना है। एक कथा मैं एक बालक की सुना रहा हूं। उसके पिता हरिकिशन टंडन आईएएस थे, उनका बेटा वहां इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में पढ़ रहा था। और ये 1956 की बात है, बनर्जी पीसी बनर्जी हॉस्टल में वो बच्चा रह रहा था। केएल सिंह भी आईएएस इलाहाबाद में रह रहे थे, प्रयागराज जो आजकल है प्रयागराज में रह रहे थे। तो उसका महाराज जी वहां आए हुए हैं अल्प प्रवास पर, अल्प प्रवासी होते थे, कभी यहां पर हैं कभी वहां पर हैं। केएल सिंह के बहुत प्रिय भक्त हैं, मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि भक्त हैं, लेकिन आज संसार में से विदा वो भी अनंत यात्रा पर चले गए हैं। तो वो उनके यहां अल्प प्रवास पे थे, उसी समय घंटी बजती है टेलीफोन की। केएल सिंह बात करके आते हैं, महाराज जी पूछते हैं कि किसका फोन था। केएल सिंह बताते हैं कि हरिकिशन टंडन जी के लड़के का फोन था। वो ये कह रहा था, अंकल बाबा के दर्शन बहुत दिनों से नहीं हो रहे हैं, आप बता सकते हैं कहां मिलेंगे। तो हमने उससे कहा कि अब तत्काल घर चले आओ, घर पे है महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा कि उसको पता है, बता दिया था। क्या कह रहा था कि हमने बता दिया कि आप ऐसे एजी ऑफिस में आ जाओ, एजी ऑफिस के चौराहे पर आ जाओ, फिर इधर से जो चौराहा है उसकी तरफ से चले आना, इधर थोड़ा सा दाहिनी मुड़ना और चले आना। उन्होंने अपना जिस तरह से उसे बताया था वही चीज बता दी। वो बताया वो पहली बार यहां पे आ रहा है। थोड़ी 20 मिनट के बाद दरवाजा पर नॉक होती है और वो बच्चा वहां पर खड़ा होता है। और जैसे ही नॉक होती है, केएल सिंह जी खुद ही उसे रिसीव करते हैं दरवाजा खोलकर, और देखता है वो रिक्शा वाले को पैसे दे रहा है। तो मैं अमूमन पूछ लेते हैं कि बेटा कहीं तुम्हें परेशानी तो नहीं है पहुंचने में। तो उसने कहा कि परेशानी काहे की, आपने वहां चौराहे पर एजी ऑफिस के पास जो चौराहा है उसके पास आपने एक आदमी खड़ा कर रखा था। उसने पूछा कि केएल सिंह के यहां जा रहे हो, हमने कहा केएल सिंह के यहां जा रहे हैं। तो फिर वो आदमी मेरे साथ आया, घर बता गया, और अंकल जी मैंने अभी रिक्शा वाले को पैसे दिए और अब बिल्कुल जो है मैं आपके आगे, कोई वही नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई। जब उन्होंने ये सुना कि तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई आदमी नहीं खड़ा कर रखा था वहां, आपको कौन लेके आया। बोले वो अभी अभी तो रिक्शा वाले के पास में यही खड़ा था अभी। जैसे बाहर निकल के देखते हैं तो वहां कोई आदमी नहीं मिलता है। जब कोई आदमी नहीं मिलता है तो केएल सिंह समझ जाते हैं कि इस बच्चे को रास्ता दिखाने के लिए, इसको कहीं कोई कष्ट ना हो, क्योंकि वो दर्शन के लिए लालायित था, तो इसको कोई कष्ट ना हो तो अपने ही स्वरूप में जाके एजी चौराहे पे ड्यूटी दे दी। बच्चा आया, बच्चे से पूछा कि केएल सिंह की किसको मालूम, रिक्शे से कौन आ रहा है। अरे ये पूछते कि कहां जाओगे तब भी बात थी, केएल सिंह के यहां जाना है। उसने कहा केएल सिंह के यहां जाना है, तो आप समझे रिक्शे तो बहुत निकलते हैं वहां से, चौराहा बड़ा व्यस्त चौराहा है, वहां बहुत ऑफिस है, वहां लोग आते जाते रहते हैं। तो वहां उस जगह आदमी खड़ा होके और जब उसी व्यक्ति से पूछता है केएल सिंह के जाना है, तो केएल सिंह को लेके आके उस बच्चे को केएल सिंह के दरवाजे पर कर देते हैं। तो वो जो ड्यूटी करने वाला व्यक्ति था, जो लगाया हुआ था, बच्चा ये समझ रहा था कि केएल सिंह ने जो है ये आदमी खड़ा किया है, अंकल ने खड़ा किया है, अंकल ने कोई आदमी नहीं खड़ा किया। महाराज जी ने जब जाना कि उस लड़के को यहाँ का पता सही तरह से नहीं मालूम है, पूछता फिरेगा, परेशान हो गए, तो एक रूप में जाके वहां खड़े हो गए और उस बच्चे को दिशा दी। और मैं तो ये कहूंगा कि दर्शन देने से पहले दर्शन जिस रूप में दे दिए, तो वो बच्चा निश्चित रूप से अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों में छुआ होगा। उसको एक
इस तरह से जो सहायता मिली जीवन के अन्य बिंदुओं पर भी सहायता मिलती रही होगी, और हम सब भी अगर उनको याद करते हैं तो निश्चित रूप से महाराज जी हमारे जीवन को दिशा देते रहते हैं, जिससे हम लोगों की दशा सुधरती रहती है। तो मित्रों, दिखाने भरी ये कथा आपको अच्छी लगी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।